नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार वापसी की, जानदार तरीके से बेहतर गेंदबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने की और टीम इंडिया को हराकर ये सीरीज अब एक एक पर बराबरी हो गई है। लेकिन इस मुकाबले में बेशक टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। युजवेंद्र चहल के नाम एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया युजवेंद्र चहल ने, जिसे अभी तक कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं हासिल कर पाया था। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने खासतौर पर निराश किया। गेंदबाजी तो फिर भी बेहतर नजर आई, लेकिन बल्लेबाज आज पूरी तरीके से फेल रहे और टॉपले के आगे पूरी तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी पस्त नजर आई। 6 विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज टॉपले ने हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद जब पहली पारी में टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी, तब युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। चहल ने 4 विकेट हासिल किए और इंग्लैंड को एक कम स्कोर पर रोकने में एक अहम योगदान दिया। चहल ने 4 विकेट लिए और 4 विकेट के साथ ही युजवेंद्र चहल के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर मैच खेला गया था और लॉर्ड्स का मैदान आपको पता है कि ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर कई कीर्तिमान टीम इंडिया ने रचे हैं, लेकिन यहाँ पर अब युजवेंद्र चहल के नाम विकेट लेने के तौर पर एक बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है। युजवेंद्र चहल लॉर्ड्स के मैदान पर 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए इंग्लैंड के खिलाफ। दरअसल इससे पहले वैसे गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं, लेकिन 4 विकेट कोई नहीं ले पाया। अब से पहले महेंद्र अमरनाथ ने लिए थे 3 विकेट, हरभजन सिंह 3 विकेट ले चुके हैं, आशीष नेहरा यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन कोई भी गेंदबाज 4 विकेट नहीं ले पाया था। अब युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर ये कीर्तिमान रख दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 4 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो आपका युजवेंद्र चहल के इस कारनामे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।